बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे, कोई गम कोई परेशानी आप लोगों के करीब ना आए। और आज चांद रात का व्लॉग है और अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान गुज़र गया और पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी रमज़ान आया और गुज़र गया रमज़ान शरीफ। और देखें, ये मैं घर सजा रही हूँ। आज मेरी बेटी एतकाफ से उठ रही हैं, तो कुछ लाइटों से जो है ना वो मैंने अपना घर सजाया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह सजाऊँ। बहरहाल उल्टा सीधा जैसा भी मेरे दिमाग में आया और मैंने जो है ना वो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया। टाइम तो था नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें जी बच्ची खुश हो जाएगी। और ये देखें, मैं इस तरह पिन से जो है ना मैं लाइटें लगा रही हूँ। और डर भी लग रहा था, स्टूल पे मैं खड़ी थी, मैंने कहा ऐसा ना हो धम धम धड़ाम हो जाए और पता चले जो है ना वो मेरी ईद ख़राब हो जाए। लेकिन फिर भी काम तो है, करना है। घर मैंने सारा क्लीन कर लिया था, तो हस्बैंड ने कहा कि भाई आपने जो है ना बस फिर घर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था और सारी सेटिंग कर ली थी। फिर मैंने कहा चले जी थोड़ा सा मैनीक्योर पेडीक्योर कर लेते हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे आपने घर तो चमका दिया है, मेरी बेगम भी चमका दें। तो मैंने कहा चले जी कुछ सोचते हैं इस बारे में, आपकी बेगम को भी हम चमकाने की कोशिश करते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं अपना मैनीक्योर पेडीक्योर कर रही थी, फिर मैंने अपना फेशियल किया और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी। और माशाल्लाह ये देखें मेहंदी लग रही है और अनमता की एक फिंगर में भूल चुकी थी लगाना, तो सारा माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया था। ये देखें जी मैनीक्योर जो मैंने किया था उसका ये हशर हुआ है, मेरे हाथ गंदे हो गए मेहंदी से। चलें जी कोई बात नहीं, खैर है। और फिर मैंने शाम के लिए मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे। ये रिबाल का ड्रेस है और ये जब एतकाफ से उठेंगी तो इंशाल्लाह पहनेंगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है इसकी, ये देखें जी इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये अनमता का सूट है जिस पे मैंने गोटे का काम किया है इसके ट्राउज़र पे और इसकी शर्ट पे, और प्लेट्स डाली हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था जब इन्होंने पहना। तो बस फिर बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए और अपना सूट भी मैंने प्रेस करके रख दिया और हस्बैंड का भी रख दिया। और चांद रात से हो गई मैं फारिग, क्योंकि जाहिर सी बात है सब गेस्ट वग़ैरह आएंगे तो उसकी भी तैयारी। ईद का समा है हमारे घर में आज, और ये मैं आज ही वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेहमानों का रश भी था, उसमें वीडियो बनाना उसको एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल काम था। ये देखें जी ये ड्रेस मैं पहन रही हूँ आज, और कंप्लीट हो चुकी है अनमता की मेहंदी यहाँ पे, जो कि अनमता कह रही थी चलें जी मम्मा अब मैं करूँगी मॉडलिंग और आप मेरी जो है ना वीडियो बनाएं। ये देखें जी ये इसकी अपनी ही कोई मॉडलिंग चल रही है और ये कुछ बोल रही थी खुद से ही। और ये देखें जी इन्होंने बाकायदा पूरा लिखवाया है हाथ पे अनमता की तरफ से ईद मुबारक। और ये देखें ईद मुबारक का पूरा इन्होंने जो है ना वो इंग्लिश में भी लिखवाया है, उर्दू में भी लिखवाया है। मैंने कहा हाय अल्लाह कहीं ये फरमाइश ना कर देंगे मम्मा मैथ में भी आप लिखें ईद मुबारक, तो मैं कैसे लिखूँगी। और ये बहुत बड़ा मेरा इम्तिहान था जो कि शुक्र है मेरी बेटी के जहन में नहीं आया, उन्होंने बस ये कहा मम्मा इंग्लिश में लिखें और उर्दू में लिखें। और ये देखें यहाँ पे इसकी बातें, और ये इतनी बातें माशाल्लाह इन्होंने की हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इनकी रिबाल आपी आज एतकाफ से उठ रही थी। और बस नहा धो के यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। और मैंने आज अफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और आज ही सारे काम निपटाने थे। तो माशाल्लाह घर क्लीन अप पूरा हमने कर लिया, घर सेट कर लिया पूरा। और ये देखें जी ये दिखा रहे हैं अपने कपड़े, जो कि कह रहे थे मम्मा हमें हमारे कपड़े दिखाएं, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं मॉडलिंग। ये देखें जी, और बताइए किसका ड्रेस ज़्यादा प्यारा लग रहा है
पता नहीं क्या उल्टे सीधे गपशप लगा रहे थे ये। और ये देखिए जी, ये कलर आया है मेहंदी का, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। और अभी अनाबिया को मेहंदी नहीं लगी है। लाओ आपको भी दी हूँ। प्यारी मामा प्यारे बाबा की, ये लो प्यारे बाबा की। बस थोड़ा बच्चों के साथ फिर मैंने खेला और ये कह रहे थे कि मम्मा ईद मुबारक और ये इस तरह करके, तो मैंने इनको ठेंगा दिखा दिया। और सुबह से मेरे पीछे लगे हुए थे, मम्मा कितनी ईदी मिलेगी कितनी ईदी मिलेगी। तो बस यहाँ पे हम अफ्तार कर रहे हैं और मैंने बना लिया था वाइट पुलाव, टाइम नहीं था। और फिर अफ्तार के बाद हमने रिबाल अपी को निकाला बाहर। और बस जैसे जैसे गेस्ट आ रहे थे तो मैं हल्की फुल्की रिकॉर्डिंग कर रही थी, जो कि टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ क्लिप्स मैंने जो है ना वो बना लिए। और ये देखें, ये मेरी जेठानी की बेटी है और इनकी मेहंदी माशाल्लाह, इन्होंने भी मेहंदी लगा ली है माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों की मेहंदी। और फिर आ गए थे मेरे भाई और भाभी, तो जनाब फिर उन्होंने जो है ना वो इनको हार वगैरह पहनाए। ये अनमता गिफ्ट दे रही हैं रिबाल अपी को, और अनाबिया दे रही हैं गिफ्ट। और बस फिर हम इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा ईद का समय लग रहा था। यहाँ पे भाभी हार पहना रही हैं मेरी बेटी को, और फिर भाभी के बाद मैंने कहा चलें जी हम भी हार पहना देते हैं, क्या बात है जी। और ये देखें जी, मैंने हार पहना दिया। फिर इनके मामू ने जो है ना वो मुंह मीठा करवाया गुलाब जामुन से, तो पहले रिबाल को, फिर अनमता को, और फिर अन्नाविया को। और फिर रिबाल ने जो है ना अपने मामू का मुंह मीठा करवाया। फिर मामू ने कहा अच्छा भाई अब किसका मुंह मीठा करवाना है, किसका करवाना है। तो मैंने फटाफट से मुंह खोल के पूरा गुलाब जामुन खा लिया, गुलाब जामुन मेरी जान है। और भाई ने मुझसे पूछा भी नहीं क्योंकि भाई को पता है वो मुझे चिढ़ा रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ गई थी इनकी फूफो, फूफो से गपशप हमने लगाई। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ढेर लग चुका है हारों का। और कितने तो गेस्ट ऐसे आए थे, वो कह रहे थे भाई हार नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल है, शॉर्ट हो गए हैं। और ये देखें जनाब, ट्रैफिक का हाल, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, और चारों तरफ से गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। और मैंने थोड़ा सा क्लिप ये मैंने रिकॉर्ड किया। और ये देखें जी, लाइटें बंद करके जो है ना, लाइट ऑफ़ करके मैंने ये लाइट्स दिखाई हैं, ये देखें जी। और बस ये मैंने अपनी छोटी सी जन्नत सजाई है। और बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे, ये स्पेशली ये जो मैंने लाइटें लगाई हैं। मैंने कहा चलें जी, मैंने तो बलून्स भी मंगाए थे, लेकिन रोज़ा रख के जो है ना वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बलून भी लगाती। बहरहाल बलून की मशीन तो है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मेहनत तो लगती है ना। तो मैंने कहा बस भाई लाइटें ठीक हैं, इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।